बच्चों अपना पार्ट एक चल रहा था लाइव क्लास में, लोट लकार। जैसे अपना लट लकार होता है वैसे लोट लकार होता है। लोट लकार का प्रयोग मैंने आपको बता दिया था। लोट लकार का प्रयोग अपन क्यों करते हैं? आज्ञा या आदेश देने के अर्थ में। लोट लकार में रूप कैसे चलेंगे? करो तू, जैसे पट तू, तू ताम अंतु, इस तरह से आता है। जैसे दे रखा है लोट लकार के, कुरुत भवंतु संतु पश्यंतु उपविशत, ये सब किसके हैं? लोट लकार के उदाहरण हैं। तो लोट लकार को भी आपको, जैसे आपने पट्टी पठत पठंती याद किया था, वैसे आपको लोट लकार के रूप याद करने पड़ेंगे। इस पाठ का अनुवाद तो अपन ने लाइव क्लास में कर लिया था, आज अपन करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। इसके प्रश्नोत्तर में पहला आता है हम जाएं। हम जाएं की बात हो रही है तो इसमें क्या आएगा? उत्तम पुरुष का बहुवचन है ये, तो इसमें क्या आएगा? पठानी पठाओ पठाम, पठाम आएगा हम यानी वयम। मौसम, मौसम को क्या बोलते हैं? ऋतु। वसंत ऋतु में क्या क्या बोलेंगे इसको? वसंत ऋतु में इसके लिए क्या आना चाहिए? यह आएगा वसंत ऋतु। ऋतु के अकॉर्डिंग इसके रूप चलेंगे गुरु के अकॉर्डिंग। तुम सब बैठ जाओ, तुम सब की बात हो रही है। त्वम युवाम यूयम, क्या आना चाहिए इसके अंदर से? पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, तो क्या आ जाएगा? उपविशत, तुम सब खेलो, वही तुम सब आ रहा है, सेम है, क्या आ जाएगा? उद्घाटयत। आगे अपना आता है वसंत समय प्रकृति की दृष्टि होती। वसंत के ऋतु में जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो इसका अपन को क्या लिखना है कि प्रकृति बहुत मनोहर होती है, मनोहरा, आकर्षकम। वातावरण कैसा होता है? आकर्षक होता है। वातावरण के बारे में दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है वसंत समय वातावरणम। अब वो वातावरण के पूछ रहा है तो अपन क्या लिखेंगे? आकर्षकम। आगे आता है वसंत समय पिकाहा कुत्र कथम च कूजंती, वसंत के समय में कोयल कहाँ और कैसे कूकती है? कुत्र का जवाब अपन देंगे आम वृक्षेषु, और कैसे? मधुर स्वरें मीठे स्वर में कूजती है। वसंत ऋतु क्या उत्सव है आयाति? कौन सा उत्सव आता है? होली, होली को उत्सव। ऋतुराज कर, ऋतुराज किसे कहा गया है? वसंत ऋतु को। आगे है प्रश्न निर्माण कीजिए मनोहरा। मनोहरा की जगह क्या आ जाएगा? कीदृशी आ जाएगा। ये ऊपर ये दे रखा था ना कीदृशी, ये वाला आ जाएगा इधर। आगे है अपना वसंत ऋतु तरुणाम शाखासु नवा पल्लवा उद्भवंती, इसकी जगह आ जाएगा कुत्र। वसंत ऋतु में पेड़ों में शाखाओं में नए पत्ते आते हैं, तो अपन इसकी जगह लिखेंगे कुत्र। कहाँ पर आते हैं? पेड़ों में आते हैं, शाखाओं में आते हैं। वसंत ऋतु होली को उत्सव है आयाति, इसकी जगह आएगा कह उत्सव है, कौन सा उत्सव आता है? होली को उत्सव वर्णानाम उत्सव है, होली को उत्सव वर्णों का उत्सव है, तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे? केशाम। होली को उत्सव किसका उत्सव है? वर्णों का। प्रश्न निर्माण के लिए जिस विभक्ति में उत्तर दे रखा है उसी विभक्ति में आपको किम शब्द रूप के शब्द जो है वो उठा करके लगाने होते हैं। आगे आता है वसंत काले मंदह सुगंधितह वायु बहती, वसंत ऋतु में मंद और सुगंधित वायु बहती है, इसका अपन क्या लिखेंगे? कदा, यानी कब बहती है? वसंत ऋतु में, जब समय की बात होती है तो कदा का उपयोग करते हैं। अब आगे अपना दे रखा है ये पहेली है, इस पहेली से आपको लोट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन के रूप लिखना है। जैसे एक मिनट, ये कैसे बनेगा मैं तुम्हें बताती हूँ। लोट लकार मध्यम पुरुष में रूप कैसे चलते हैं?
जैसे कथियत दे रखा है आपके किताब के अंदर, तो क्या आ जाएगा? खादत। इस तरह से रूप बनेंगे, उद घाटयत, या आपको इस तरह से रूप बनाने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे गच्छत, दिख रहे हैं आपको, जैसे ये कथयत मिले। इस तरह से आपको बहुत सारे रूप मिलेंगे पहेली के अंदर, तो ये आपको अपने आप करने हैं। इस तरह से ये अपना ये वाला प्रश्न हल होगा। आगे जैसे अपना आते हैं अपन दूसरे के ऊपर, वध धातु के लोट लकार के रूप लिखिए। जैसे आपके किताब के अंदर कथ्य तो दे रखा है, वैसे इसमें क्या बन जाएगा? वदतु, वदताम, वदंतु। इस तरह के इसके रूप बनाएंगे आप। ये अपने आप बनाने हैं आपको, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना ही कॉपी में करना है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आपको PDF मिलेगी, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।